उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की तहरीर पर रामगढ़ ताल थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि होटल में दबिश देने के दौरान हादसे में घायल व्यापारी की संदिग्ध मौत को लेकर SSP ने पहले ही लापरवाही बरतने पर रामगढ़ ताल थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था, जबकि मुख्यमंत्री अनुकंपा कोष से मृतक व्यापारी की पत्नी को 10 लाख की आर्थिक सहायता का चेक भी दिया गया। वहीं मृतक व्यापारी मनोज गुप्ता का पोस्टमार्टम होने के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि बीते सोमवार की रात रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र स्थित होटल पर पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों की सूचना पर दबिश देने पहुंचे थे। इस दौरान होटल के कमरे में ठहरे मनीष गुप्ता और उनके दोस्तों से दबिश के दौरान पुलिस की नोकझोंक हुई थी। पुलिस का दावा है कि बेड से गिरकर मनीष गुप्ता के सिर में गंभीर चोट लग गई थी, जिसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। उधर मनीष के दोस्तों और उनकी पत्नी का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मनीष की मौत हुई थी। इस मामले में मनीष की पत्नी की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही मृतक व्यापारी मनीष गुप्ता के शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।